लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, एक ईमानदारी से सवाल पूछूं, आज जितने भी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, मेरे ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए वो लिख रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी कि वो समर्थन में सड़कों पर नहीं आए। मतलब कानून को जारी रखवाना है तो समर्थन में भी सड़कों पर आना होगा। जो इस बिल के समर्थन में थे वो सड़कों पर नहीं आए, उनका हक क्यों मतलब मारा गया कि कृषि कानून पर रोक, रास्ता रोको कानून रुक जाएगा। त्रिवेदी जी, क्यों मतलब मारा गया कि कृषि कानून पर रास्ता रोको कानून रुक जाएगा? त्रिवेदी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्यों मतलब मारा गया कि कृषि कानून पर रास्ता रोको कानून रुक जाएगा? त्रिवेदी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, जो आपने बात पूछी, इसमें हम कहना चाहेंगे बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार की बात कही गई कि समर्थन में कौन आ रहा है, क्या समर्थन के लिए भी आंदोलन करने की आवश्यकता है। यह तक कहा गया कि जो संसद से पारित बिल था उसके पक्ष में जाकर किसी ने कोर्ट में याचिका नहीं दी। देखिए, यह कहने वाला व्यक्ति या तो घोर अज्ञानी है या घोर षड्यंत्रकारी है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, जो वैधानिक प्रक्रिया से पारित हो चुका उसके पक्ष में कभी याचिका दी जाती है जाके कोर्ट में? इस प्रकार के जो तर्क कहे जा रहे हैं, इससे मन में यह संदेह गहरा होता चला जाता। उदाहरण के लिए जो करनाल की घटना है, क्या बोला गुरनाम सिंह टूनी ने कि हम नहीं कार्यक्रम होने देंगे क्योंकि हमारे पैरेलल में चला रहे। मतलब लोकतंत्र में अगर यह बात होगी तो कल के दिन कहेंगे कि चुनाव के दौरान 6-7 पार्टियों की पैरेलल रैलियां होती है, हम नहीं होने देंगे, सिर्फ हमारे हिसाब से चलेगा। इस प्रकार का विचार अपने आप में घोर चिंताजनक है, क्योंकि कारण यह है कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को नहीं मानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, तो इसे तो मैं अमन जी जानते क्या कहूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध रहीम का दोहा है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। मुझे लगता है जिस प्रकार के लोग आंदोलन के साथ आके जुड़े, उनकी संगति का यह असर है कि उनको कभी ईवीएम पे संदेह नजर आता था, कभी चुनाव आयोग पे संदेह नजर आता था, कभी सरकार पे संदेह नजर आता था, कभी सेना प्रमुख पे संदेह नजर आता था, कभी आई इंटेलिजेंस एजेंसी पे संदेह नजर आता था। तो अब ये जो संदेह की बात है ना, ये संदेह का मतिभ्रम मुझे लगता है संगत से उत्पन्न है। और फिर मैं अंत में एक बात कहूंगा विनम्रता के साथ, क्या 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने इसी चीज के लिए आंदोलन नहीं किया था कि हमें मंडी के चंगुल से मुक्त कराइए, मंडी की सीमा के बाहर हमें फसल बेचने का अधिकार दीजिए और बाजार के लिए अधिकार दीजिए? तो अब तो आज स्थिति हो गई कि अभी तक तो राजनीतिक नेताओं के लिए कहा जाता था कि इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, अब तो गैर राजनीतिक नेताओं के सवाल उठ गया। उनको तो रास्ता मिल गया ना कि अब रास्ता रोको कानून रुक जाता है, ये तो मुझे बार बार जहन में आ रहा। अच्छा हुआ मतलब कोरोना की वजह से शाहीन बाग खत्म हो गया, वरना सीए भी रुक जाता। 370 को लेकर सड़क नहीं जाम हुई, वो लोग अब अफसोस कर रहे होंगे कि हम भी कोई सड़क वगैरह जाम कर देते, बंधक बना देते तो 370 का फैसला भी टल जाता। मतलब ट्रिपल तलाक को लेकर कोई सड़क नहीं जाम हुई, कोई बंधक नहीं बनाया, वरना तो ट्रिपल तलाक का फैसला भी टल जाता। मतलब ये तो एक तरीके से यही कहा जाएगा कि रास्ता रोको कानून रुक जाएगा, ये तो ब्लैकमेलिंग एक तरीके से। नहीं, एक और कहूंगा, 90 के दशक में याद करिए हम विपक्ष में थे जब भूमंडलीकरण उदारीकरण आया है, आपका टीवी चैनल पहला प्राइवेट चैनल था 95-96 में। आज इनसे पूछिए, केवल दूरदर्शन के जमाने में वो बोल पाते थे, ऐसा नहीं दूरदर्शन बंद हो गया। सरकार के बारे में जो बैठ बैठ के यहां पर गालियां देने जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं। अब ये बताइए, जिस जमाने में केवल सरकारी फोन था तो इनकमिंग कॉल कितने की होती थी, 8 रुपए की और 16 रुपए की आउटगोइंग कॉल, आज लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? तो हमने उनका सैद्धांतिक विरोध किया, जहां पर जरूरत थी वहां संशोधन कराया, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल में हमने क्लॉज डलवाया। आप क्या, मैं इतना पूछ रहा हूं, ये अच्छा तरीका है ना, ये तो शानदार तरीका है, रास्ता रोको कानून रुक जाता है। मैं जो कहना चाह रहा था वो, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए ना, रास्ता रोको कानून रुक जाता है, वो गलती जो बिल के समर्थन में थे उन्होंने रास्ता नहीं रोका, बिल को जारी रखवाना है तो सड़कों पर उतरना है। ये मैं उसी बिंदु, नहीं मेरा जो, मैं उसी बिंदु पे आ रहा, जैसे आपने अभी ब्रिटेन का उदाहरण दिया कि यहां जब बदलाव हुए तो सरकार को स्टैंड लेना पड़ा। मैं याद दिला रहा हूं कि जब औद्योगिक बदलाव हुए, ट्रेड यूनियन सारी खिलाफ थी और कांग्रेस की अल्पमत की सरकार थी, नरसिम्हा राव की 223 सांसद थे, हमारे 120 थे, हम बड़े मजबूत प्रतिपक्षी दल थे, हम भड़काना चाहते तो क्या क्या नहीं करते,
परंतु हमें हमने उनमें सुधार करवाए, श्रमिकों के हित में सुधार करवाए, परंतु देश के बदलाव को बंधक बनाने का प्रयास नहीं किया, यह मैं कह रहा हूं। तो यहां पर जो राजनीतिक दल है उनकी भी विश्वसनीयता प्रश्न चिन्ह पर है, और जो लोग पीछे से कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं किसानों में जो किसानों को पद से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, वह चीज भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन वो तो फिर सफल तो वही हुए ना, जो मतलब अराजकता फैलाओ, सड़क को ब्लॉक करो, व्यस्त रास्ता पकड़ो, चारों तरफ से बंधक बना लो, कानून रुकवा लो, ये रास्ता एक नया रास्ता खुल गया है। रास्ता रुको, कानून रुक जाएगा। विष्णु जैन बताइए मैं गलत कह रहा हूं, ये प्रेसिडेंट किस तरह का है, मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, लेकिन ये प्रेसिडेंट किस तरह का सेट हुआ है विष्णु जैन, रास्ता रोको कानून रुक जाएगा। देखिए अमन जी, आपने आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसमें लीगल फैटर्निटी में बहुत ही स्पष्ट ओपिनियन है कि आज तक, और मैं बात आपके सामने बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है जो ये कहता हो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि वो किसी भी कानून का इंप्लीमेंटेशन रोक सकता है। नहीं, रुका है, कल रुका जो है। भारत सरकार के वकील भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, मिस्टर मैं आपको नहीं रुका है, एक चीज है रुका है महाराष्ट्र, मुझे पता है मराठा आरक्षण, मैं बता रहा हूं अमन जी, मेरी अमन जी मैं बता रहा हूं आपकी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने रोका है, बिल्कुल रोका है, पर आर्टिकल 142 के तहत रोका है। इस पे आज तक कोई लॉ लेट डाउन नहीं हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट देश की पार्लियामेंट का लॉ इंप्लीमेंटेशन रोक सकती कि नहीं रोक सकती, मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 142 के तहत ये पावर एक्सरसाइज की गई है, इसमें एकदम स्पष्ट ओपिनियन है लोगों का, और मेरा भी अपना स्पष्ट लीगल ओपिनियन है कि जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है वो तब तक वैलिड रहता है जब तक उसको असंवैधानिक डिक्लेयर ना कर दिया जाए। तो आज की डेट में दैट इज अ वैलिड लॉ बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ये वैलिड लॉ है। और कल अटॉर्नी जनरल भी जो भारत सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने एक नजीर भी रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज हिरेंद्र पाल सिंह 2011 5 SCC पेज 305, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने एक जजमेंट में कहा, सिर्फ एक जजमेंट ऐसा है कि अगर लॉ का इंप्लीमेंटेशन रोकना चाहते हैं तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह रोका जा सकता है, और यह पावर बहुत ही केयरली और बहुत ही कॉशियसली यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही डिवास्टेटिंग इंपैक्ट होते हैं। जो आप सवाल पूछ रहे हैं दैट हैज फॉलन फॉर कंसिडरेशन, तो मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट दे रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं रुका है, रुका है मराठा आरक्षण में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इस पे आज तक कोई थ्रेशोल्ड नहीं हुआ है लॉ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट द्वारा चुनी हुई जो एक्ट है उसको स्टे करने का अधिकार है कि नहीं है, और क्या वो ऑर्डर कितना वैलिड होगा कि नहीं होगा। दूसरी अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आज मुझे दुख और दर्द है बहुत सारे कानून से, वफ एक्ट से है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से है, तो मैं क्या धरना दे दूं, मैं क्या रोक ब्लॉक कर दूं? और ये जो बात है ये मॉबोक्रेसी की तरफ लीड करती है, ये सही लोकतंत्र नहीं है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, आपके सामने बहुत विद्वानी सुधांशु त्रिवेदी जी भी बैठे हैं, और वो भी मेरी बात से मुझे लगता है उसको अप्रिशिएट करेंगे, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दिया, आज दिया, और ये बात कही कि ये लॉ जो हम लाए हैं ये 20 इयर्स 20 साल की डेलिब्रेशन के बाद लाए, और जो इसमें भी कोई प्रक्रिया 20 साल की मंत्रणा के बाद ये कानून आया गया है। और मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं अमन जी, इसमें भी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि अगर कोई संविधान की संविधानिक वैलिडिटी चैलेंज करता है किसी एक्ट की तो उसके लिए पहले एक पैनल बनेगा, वो पैनल डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा। अच्छा, एक बड़ी खबर बताना जरूरी है, एक बड़ी खबर, कमेटी पर सवाल उठा दिया कांग्रेस ने, आप देखिए भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि कमेटी में सब लोग मोदी जी के लोग हैं, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के साथ मिलकर कमेटी में मोदी जी के लोगों को शामिल कर रहा है, अजीब सवाल। कांग्रेस पार्टी यहां पर रणदीप सुरजेवाला वो कह रहे हैं कि कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उस पर सवाल, कमेटी में शामिल लोग मोदी जी के हैं, सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है मोदी जी के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के साथ मिलकर मोदी जी की कमेटी बना दी। बहरहाल कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ऐसा रविंदर चीमा है जो कि किसान नेता है, रविंदर चीमा जी आपको भी ऐसा लगता है कि कमेटी में शामिल लोगों की विश्वसनीयता पर आपको भरोसा है कम से कम, चीमा जी? अमन जी ऐसा है कि जहां तक कोर्ट का डिसीजन आया है इसका विस्तार से ऑर्डर जो है वो आने के बाद ही मालूम चलेगा कि कोर्ट ने कौन कौन से मेंबर लिए, पर जहां तक
मेंबरों की वर्बली अनाउंसमेंट जानकारी मिली है उसमें से किसान संगठनों को इस बात की थोड़ी दुविधा जरूर है कि जो लोग इस संघर्ष लड़ रहे थे उनके नेताओं की जो भावनाएं थी कमेटी में उनमें प्रकट करने वाला कौन है। जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, हम सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करते हैं, देश सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करता है। इस देश में अगर कोई सुधार आएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल होगा। तो हम ये आग्रह जरूर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमेटी बनाई है, लेकिन जो संगठन संघर्ष कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनका नुमाइंदगी उस कमेटी में अगर नहीं है तो फिर वादब ये तो नहीं है कि कमेटी में कौन कौन लोग हैं। ऐसा शक्का तो हम नहीं करेंगे, ना कोई सवालिया निशान हम सुप्रीम कोर्ट पे लगाएंगे। हमारा संगठन आज मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने के बाद उनका निर्णय आएगा। मैं फिलहाल इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर मैं एक बात जरूर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है, अगर इसमें किसान आगे जाएंगे तो इसकी वायर्स को चैलेंज करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है और इस पे बहुत लंबा समय लगेगा। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है उसमें जिस भी लेवल पे वो होते हैं उसमें बहुत समय लगता है, लेकिन कानून जो आज निर्णय एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि इनको होल्ड किया है, स्टे किया है मौजूदा 3 कानून को, ये फैसला का जो नेचुरल जस्टिस के बेस पे लिया गया मैं मानता हूं, और नेचुरल जस्टिस सभी कानूनी धाराओं से ऊपर होता है।